नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष जिसे आप श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं, इस बार 17 सितंबर से प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि और 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा। तो ये जो 16 दिन है, ये एक ऐसा अवसर होता है जिसकी भी पत्रिका के अंदर पितृदोष, काल सर्प दोष, या जिसने कहा कि मेरे काम नहीं बनते या समस्याएं ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेती, एक समस्या ख़त्म हुई दूसरी समस्या आ गई, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। ये दिन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म करके भी अपने पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के वीडियो में 4 उपाय लेकर आया हूँ। ये 4 उपाय ऐसे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए, और रोज़ कोशिश करो, रोज़ करें। मैं और डेट्स में जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे, मैं आपके लिए छोटे छोटे उपाय अलग अलग हेतु के लिए और लाता रहूँगा। आप क्या करिए, ये जो 4 चीज़ें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये 4 चीज़ें अगर आप पितृपक्ष के दौरान आपने कर ली, तो आप यकीन मानिए आपके पितृदोष में, आपके पितरों के आशीर्वाद मिलने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। पितृदोष कम होगा, आपको जो समस्याएं आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी। आज डिटेल में बात करूंगा उन चारों पर, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, क्योंकि अब रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे। और म्यूज़िक चैनल जिसका लिंक आपको दे रखा है, उसमें मंत्र भी हम शेयर करेंगे। मंत्र बहुत ज़रूरी हैं, आप उसको सब्सक्राइब रखें, बेल बटन पुश करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो आए आप देखकर लाभ ले लें। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि पितृपक्ष में इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों है। माना जाता है कि पितृ इन 15 दिनों में धरती पर आते हैं और श्राद्ध कर्म जो आप करते हैं, जो आप अन्न उन्न को अर्पित करते हैं वो लेते हैं, और प्रसन्न होकर अगर जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृ दोष के, पितृ ऋण के क्या लक्षण हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, बहुत डिटेल में अब नहीं जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि कुछ लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि पितृ आपसे नाराज़ हैं या पितरों की कृपा आप पर नहीं आ रही। अगर मान लीजिए बनते बनते आपके काम बिगड़ रहे हैं, संतान पक्ष की तरफ से आपको समस्याएं आ रही हैं, हर काम में आपको ये लगता है कि कोई ना कोई झगड़े में, फसाद में आप फंस जाते हैं, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो आपको पैसा आना है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जो भी काम आप करते हैं थोड़े समय चलता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़े से उपाय किए, कुछ करा, फिर मेहनत करी, फिर थोड़ा सा चला, फिर रुक गया। बार बार आपको पितृ सपने में आकर कुछ ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कहीं ना कहीं कि पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है, और आपको छोटे छोटे कार्य करके, जो श्राद्ध कर्म इत्यादि आप करते हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, मैं और वीडियोस में भी डिटेल में बात करूँगा, आप छोटे छोटी चीज़ें और क्या कर सकते हैं। आज जो 4 चीज़ें लाया हूँ, आप इन 4 पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, इन्हीं में आपका काम बहुत हद तक बन जाएगा। और सबसे बड़ा लक्षण, पितृ ऋण या पितृ दोष आपको होगा, पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे ना दोस्तों, तो आपका हमेशा ना मन एक ब्लॉक सा रहेगा, कहते हैं माइंड की ब्लॉकेज, ये सबसे बड़ा लक्षण है पितृ ऋण का। आपका दिमाग काम ही नहीं करता, एक चीज़ पर अटक गए आप। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आपने फ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेते हैं या किस कुछ कंसल्टेशन ले लेते हैं, आपका माइंड इतना ब्लॉक हुआ हुआ है, आप सोचते रहे और वो समय निकल गया। अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो पितृ ऋण या पितृ दोष ज़रूर है, और छोटे छोटे उपाय करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले पहले उपाय पर बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले उपाय के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध की कुछ बूंदें डालिए, काले सफ़ेद तेल डालिए, थोड़ी सी शक्कर डालिए। अब ये जो लोटा आपने मिश्रण तैयार किया है, ये आप किसी भी पीपल वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों बस ये ध्यान रखिएगा
ये कार्य रविवार वाले दिन नहीं किया जाता। अब रविवार वाले दिन क्या करें, क्योंकि आपने तो नियमित तौर पर ये पूरे 15-16 दिन जितने भी हैं उनमें आपने उपाय करना है, तो आप क्या करेंगे, रविवार वाले दिन बरगद के पेड़ पर या बेल के वृक्ष पर आप चढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए बरगद का भी नहीं मिल रहा, बेल का भी नहीं मिल रहा, तो नीम के वृक्ष पर संडे वाले दिन आप ये वाला मिश्रण चढ़ा दीजिए। बाकी दिनों के अंदर तो पीपल के वृक्ष पर आप ये मिश्रण चढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं किस समय करना चाहिए। जितने भी मैं उपाय बता रहा हूँ अभी और आगे भी जितने हम उपाय बताएंगे, जो पितरों से संबंधित उपाय होते हैं वो सबसे अच्छा रहता है कुतुब काल में, जो कि होता है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। इस समय पर आप करते हैं कोई श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसके फलीभूत होने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं, और बेटर हो जाता है। तो आप चाहें तो 11:30 से 12:30 के बीच कर सकते हैं, नहीं तो सुबह के समय कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समय का जब सोचते हो ना तो आप उपाय करते नहीं हो। जब मौका मिले आप कर लो इस उपाय को आपको, और नियमित तौर पर करो। कोई एक आधा दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, पितरों से क्षमा मांगते हुए आप बाकी दिनों में तो करिए कम से कम। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरा जो उपाय आपने करना है, शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा मानी जाती है, आप दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले सफ़ेद तेल डाल दें, दोनों नहीं मिलते तो काले तिल तो कम से कम डालिए ही डालिए, और ये दक्षिण दिशा में ये दीपक जलाइए। ये दो उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय, अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर पितृपक्ष में उपाय करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में जब भी आप उपाय करते हैं आप अपनी ग्रोथ के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नॉर्मल समय में भी तो आप उपाय करते ही हैं, और कभी आप बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उस समय ये आप थोड़े ना सोचते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, मेडिसिन नहीं खाता मैं। तो उपाय ज़रूर करिए, निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दो उपाय मैंने आपको बताए। अब तीसरे उपाय पर बात करता हूँ। अब तीसरे उपाय का जो कॉन्सेप्ट है वो पंचबली से आया है। पितृपक्ष में आपने सुना ही होगा कि 5 अलग अलग लोगों को बलि दी जाती है, जिसमें जीव जंतु भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण के लिए भोज निकाला जाता है, ये एक हो गया। दूसरा गाय के लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ भोजन निकालिए, दो हो गए। तीसरा कुत्ते के लिए ज़रूर भोजन निकालिए, तीन हो गए। चौथा हो गया आपका कौवे के लिए, और पांचवा हो गया चींटियों के लिए। अब ये मैंने 5 पंचबली में ये 5 आ गए। अब इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, नियमित तौर पर इन 15-16 दिनों में जब भी आपको मौका मिले किसी ब्राह्मण को आप कुछ पूड़ी बनाकर, खीर बनाकर आप वो खिला सकते हैं। श्राद्ध कर्म अलग है, वो उस दिन तो आप करेंगे ही करेंगे, आप बाकी दिनों में भी जब मौका मिले आप ये कर सकते हैं। दूसरा कार्य गाय के लिए भोजन, वैसे तो गाय के लिए भोजन तो पूरे साल ही निकालना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में ज़रूर निकालें। कहा जाता है कि जो गयासुर का वास होता है वो गाय के गले में होता है पितृपक्ष के दौरान, तो ज़रूर आप करें, तो इससे आपके पितरों की शांति होती है। तो ये हो गया। कुत्ते के लिए नियमित तौर पर इसी तरह से रोटी, ब्रेड, दूध, जो भी आपको, जैसे मैंने अलग अलग वीडियोज़ में शेयर किया वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसी तरह से कौवे के लिए कुछ भोजन, गांठिया निकाल सकते हैं, पनीर खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो खिला दीजिए। बाकी इसके लिए अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उन वीडियोस पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए। इसी तरह से चींटियों के लिए भुना हुआ आटा ले लीजिए, थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए, और कई कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि तिल चोली का मिश्रण बना लिया, जिसमें काले सफ़ेद तिल हो गए, शक्कर हो गई, आटा हो गया, ये सब चींटियों को डालते रहिए। तो ये धीरे 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 आपके अपने आप ही उपाय होते चले जाएंगे, और इन 15 दिनों में जब आप ये करेंगे तो इनका भी लाभ मिल जाएगा। ये हो गई तीन उपाय बता दिए मैंने आपको। ये तीनों उपाय कोई भी कर सकता है और ज़रूर करिएगा। मैंने कहा इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, ये उपाय नियमित तौर पर किए जा सकते हैं। चौथा जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये है पितृ गायत्री मंत्र, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको समय बता दिया, कुतुब काल होता है 11:30 से 12:30 के बीच। अगर आप उस समय पर इस पितृ गायत्री मंत्र का 9 बार जाप करते हैं तो आपके पितरों की शांति होती है। बहुत सिंपल मंत्र है, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र का लिंक हमने अपने म्यूज़िक चैनल पे डाल दिया है, मंत्र उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस मंत्र को आप ये भी कर सकते हैं, उस मंत्र को प्ले कर लीजिए 9 बार। जब उसकी वाइब्रेशंस गूंजेंगी आपके पास, आपके कानों में, तो धीरे धीरे आपको ये मंत्र इतना याद हो जाएगा कि अलग अलग समय पर भी आप जब जाप करना चाहेंगे कर सकते हैं। मिनिमम 9 बार करिए, 108 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और पितृपक्ष के दौरान तो ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा भी 2 पितृ गायत्री मंत्र के वर्जन हैं, मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ कभी। फिलहाल आप इस मंत्र का जाप कर लें तो आपका कल्याण होना ही होना है, साथ में पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ये 4 उपाय मैंने आपसे बात करे, ये 4 उपाय कर लीजिए। पितृ दोष के, पितृ ऋण के सिम्टम्स आ रहे हैं तब भी कर लीजिए, नहीं आ रहे तो पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, पितरों से ये कहते हुए कि हमसे अगर कोई अपराध हुआ है जाने अनजाने तो हमें क्षमा करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। आप ऐसा कहते हुए भी जब उनको याद करेंगे, सबसे बड़ी बात है भावना की, आपने याद किया, आपने उनके लिए कुछ सोचा, अपने आप ही उनका आशीर्वाद आपको मिलता चला जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ज्योतिषीय परामर्श के लिए ज़्यादा सोचिए मत, ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।